हमीरपुर में पहले लॉकडाउन और बाद में कर्फ्यू के कारण हर दिन मेहनत कर गुजारा करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों को अब रोटी के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं। हमीरपुर में सैकड़ों दिहाड़ीदारों के साथ प्रवासी मजदूर भी अब सरकार से राशन की आस लगाए बैठे हैं। हमीरपुर शहर के आसपास रोजाना दिहाड़ी लगाकर पैसे कमाने वाले मजदूरों के परिवारों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से जल्द राशन दिलाने की मांग की है, ताकि कोरोना वायरस से पहले भुखमरी से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि हमीरपुर में जिला प्रशासन के दावे पूरी तरह फेल दिख रहे हैं, क्योंकि प्रवासियों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, जिससे प्रवासियों में रोष है कि मुसीबत की इस घड़ी में प्रशासन ने भी उनसे आंखें मोड़ ली हैं। हमीरपुर शहर के नजदीकी इलाकों में रह रहे प्रवासी जहां एक और कोरोना वायरस के कारण अपनी रोजी रोटी गंवा चुके हैं, तो वहीं अब खाने के लिए भी लाले पड़ने शुरू हो गए हैं। प्रवासी मुख्यतः रेड़ी फड़ी मजदूरी जैसे काम कर अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते घर पर अपने परिवार सहित रहने के लिए अब मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि इन परिवारों के पास एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं हमीरपुर प्रशासन ने भी मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर राशन मुहैया करवाने की बात कही है, लेकिन जिला प्रशासन की ये बात धरातल पर खरी नहीं उतर रही है। प्रवासियों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि जब से कर्फ्यू लगा हुआ है उस दिन से दिहाड़ी तक नहीं लगाई गई है, इस कारण अब राशन भी खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रहकर गुजारा करते हैं, लेकिन अब राशन खत्म हो रहा है, जिससे समस्या बढ़ रही है। हम हथली खड़ नियर हॉस्पिटल के पास में ही रहते हैं। तो क्या है, क्या डिमांड, क्या है, खाना खुना मिला आपको, दे रहे हैं? हमारे को कुछ नहीं मिला, ना हमको किसी ने पूछा है, ना हमको किसी ने बताया है इस बीमारी के बारे में, ना बताया और ना हमको किसी ने राशन दिया है। और हॉस्पिटल के पास नज़दीक में रहते हैं। कोई छिड़काव या सफाई वगैरह हुई आपको? ना कोई सफाई हुई है, ना कोई छिड़काव दवाई का हुआ है, कुछ नहीं है। हमको किसी ने यहाँ पे पूछा ही नहीं भी क्या बीमारी है, क्या कोरोना है, कुछ नहीं हमको बताया। हमको एक दूसरे से पता चला भी, एक दूसरे से बताने से भी कोरोना की बीमारी है, इससे बचना चाहिए, उसके हिसाब से हम घर में बैठे हैं। मैंने मजदूरी करते हैं, बिहार के रहने वाले हूं, और सर अभी तक मतलब जो है ये मतलब हवा सुने हैं कोरोना वायरस के विषय में, न कोई यहां देखने वाले, न कोई सुनने वाले। उसके बाद जो है मतलब हम लोग मजदूर आदमी रोज़ मतलब कमाने खाने वाले, कई दिन से काम धंधा मतलब बंद किए हैं, कहीं जाना आना बंद कर दिए हैं। उस दिन से सर मतलब हम लोग बैठे हुए हैं घर में, सब भूखे मतलब मर रहे हैं। जितने हमारे बाहर से लोग हैं, हम बाहर के बंदे हैं, कोई मतलब साधन नहीं, कोई देखने वाले है। क्या मांग रहे हैं सर? हमारे मतलब खाने का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना मतलब कोई राशन पानी का, ना कोई मतलब मतलब कोई साफ सफाई का साधन भी आसपास में नहीं है, ना कोई खाने के लिए आए, कोई सुनने के लिए आए। सर जी नहीं, कोई नहीं हुआ है मतलब यहाँ, मतलब आसपास में मेरे आसपास में कहीं नहीं हुए हैं सर, जो हमने यहाँ रह रहे हैं। कमरे से तो बाहर निकलते नहीं, निकलते हैं तो आजकल प्रशासन भी मतलब मारदवार कर रहे हैं, पुलिस वाले कहीं जाने नहीं आने नहीं देते हैं। सर मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बाहर के प्रदेशी हूँ। जो वायरस फैला है, आप लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो आपने कितनी अवेयरनेस है, किसी से आप कहाँ से पता चल रहा है जानकारी? सर जहाँ तक जानकारी का सवाल है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें न्यूज़ के जरिए और या एक दूसरे से लोग बातें करते हैं, एक दूसरे से लोगों से सुन सुना कर ही हमें पता चल रहा है। ना तो हमारे पास कोई प्रशासन आया है, ना ही कोई मंत्री आया, ना ही कोई वार्ड परिषद आया है, भी ना ही किसी ने हमें जानकारी दी है भी कोरोना वायरस के ये लक्षण होते हैं या इस वजह से बीमारी फैलती है, भी इन चीज़ों से दूर रहो, हमें कोई किसी ने नहीं बताया, ना किसी ने सावधानी बरतने के लिए हमें बोला है। सैनिटाइज हुआ आपके यहाँ, छिड़काव किया कभी? नहीं सर, अभी तक तो ना तो सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव हुआ है, ना ही कोई ऐसी सुविधा हमें मिली है किसी भी बात की, कुछ नहीं है सर। ये आप देख सकते हैं भी कितनी गंदगी है, या कैसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। तो कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पे, आप झुग्गी झोंपड़ों की क्यों, आपका राशन दिया कि नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया सर, ना किसी ने राशन दिया, ना किसी ने पूछा है। यहाँ कम से कम 30 साल से हम रहते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, जनानियाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब जिस दिन का ये कर्फ्यू लगा है, बस जैसे हाल आप देख ही रहे हैं सर, हम आए, आपकी मदद चाहिए गरीबों के लिए भी बच्चे छोटे छोटे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जाएंगे। वहीं प्रवासी महिलाओं ने बताया कि कर्फ्यू के बाद घरों में रखा राशन भी खत्म हो गया है, जिस कारण अब बच्चों को क्या खिलाएंगे, ये समस्या बन रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द मजदूर परिवारों को भी राशन दिलाया जाए। हमारे कोई यहाँ पर ना किसी ने बताया है, सिर्फ एक दूसरे से पता लगा है, क्योंकि बाजार में हम जाते आते थे तब
तो एक दूसरा बात करता है, फिर हमारे को ऐसे बोलता है कि 2 मीटर दूर रहो, 1 मीटर दूर रहो, तब हमारे को ये बीमारी के कारण पता लगा है। और ना यहाँ पर छिड़काव करने आए हैं, ना कुछ ऐसे वैसे मतलब कोई देखने आए हैं। और मेहनत यही है जो भाई हम गरीब आदमी हैं, अमीर भी एक से जैसे होते हैं और गरीब भी एक जैसे होते हैं, जान तो सभी में भी होती है। तो इस कारण बस हाथ जोड़ के विनती है जो भाई हमारे बच्चों को रोशन चाहिए और मदद चाहिए, यहाँ पर छिड़काव करने के लिए दवाई चाहिए। क्योंकि यही कहते हैं भाई, हमारे जो आदमी हैं पालस करते, हम कार मजूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको तो राशन दे दो कोई। गरीब आदमी हैं, बहुत साल के इधर बैठे हैं, पहले हमको किसी ने नहीं बताया है और इधर बैठे हम, जो कोई हमको मिलता राशन दे दो, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बाहर हम निकलते नहीं हैं डर के, अंदर ही बैठे रहते भूखे भी तिसे भी, एक पानी पीते और कुछ नहीं खाते हैं, ये बात है। हाथ जोड़ के कहते हैं बस, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई तुम्हारा भला, यही कहते हैं हम तो, हाथ जोड़ के कहते हैं। आज ऐसा ही बैठे सब, कुछ खाने नहीं मिला है, आपके यहाँ कोई जैसे छिड़काव करने के लिए आया ना? कोई नहीं आया, हमारी कोई नहीं आया, ना कोई दवाई छिड़कने आया, ना कोई कहने हमको आया है, कोई नहीं आया, तुम्हारे बगैर कोई आदमी नहीं आया।